पहले तो CIA की तरफ से, काउंसिल ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। बहुत दुख हुआ हमें अक्टूबर में जब हमने सुना, देखा क्या हुआ। 6 महीने होने को आए और अभी तक केस चल रहा है। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, शायद आपको पता ना हो कि यहाँ का सिस्टम कैसे है, और कुछ मनमीत के बारे में जो एज ए कम्युनिटी हमने सीखा है, और शायद आपको उसका इम्पैक्ट ना पता हो। तो मनमीत यहाँ पर आया था एक अच्छी जिंदगी जीने, अपने फैमिली की जिंदगी संवारने। वो बस ड्राइवर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो एक ईमानदार, एक हार्ड वर्किंग इंसान था। उसने यहाँ पर आके अपनी तरफ से पूरी मेहनत से, पूरी जतन से कोशिश की कि वो अपना और अपने परिवार का जो सिचुएशन है उसको बढ़ाए। उससे ज़्यादा वो एक आर्टिस्ट, एक पोएट और एक बहुत बेहतरीन सिंगर था। उसकी थोड़ी यूट्यूब में मैंने क्लिप्स देखी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत कम समय में ऑस्ट्रेलिया में आके, मेनली ब्रिस्बेन में था वो, उसने सब काम करते हैं, सब यहाँ पर आके काम करते हैं, जुट जाते हैं कि मेहनत करते हैं कि अपना कुछ मेरा घरौना बनाए, इधर कुछ सेटल हो, अपने लिए कुछ करें। लेकिन उसने उसके आगे सोचा, उसने अपनी कला के तरफ से अपनी पंजाबी कम्युनिटी को एंटरटेन किया, उनका मन बहलाया, उन्हें पंजाब की याद दिलाई। उसने अपनी तरफ से जो हो सका अपनी कम्युनिटी को सर्व किया। ये पता चलता है कि मनमीत कैसा इंसान था। ही डिड नॉट जस्ट टेक, ही गेव बैक। अब देखिए, वो सिर्फ एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई भी नहीं था, वो कम्युनिटी के लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ था। जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, इट वॉज अ ट्रैजिक लॉस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, जिसने भी ये काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बाद में कि कैसे सिचुएशन है यहाँ पे, ताकि आपको भी समझ में आए। मुझे पता नहीं आपको कितना बताया गया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर गया। लेकिन मेरी तरफ से और जहाँ तक कम्युनिटी का भी ये व्यू है कि उस आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। और जहाँ तक न्यू साउथ वेल्स में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो होता है। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी फेयर कंट्री, तो वो कहते हैं ना, देर है देर नहीं है। मनमीत एक पॉजिटिव रोल मॉडल था अपनी कम्युनिटी के लिए। और मैं ये थोड़ा कहना चाहूँगा कि सिर्फ उसने जी के भी नहीं, पर मर के भी वो एक हमारे लिए पॉजिटिव रोल मॉडल रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा क्यों। इवन दो इट वॉज अ वेरी ट्रैजिक लॉस, हम सब के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ट्रैजिक लॉस था वो। और जिस तरह से वो हुआ वॉज अनबिलीवेबल। लेकिन देखिए, उसने अपनी जान देकर फिर भी कुछ चीज़ें संवारी। सबसे पहले देखिए कि जब वो हो रहा था, वो हादसा जब हो रहा था, तो एक सूडनीज टैक्सी ड्राइवर मिस्टर एयुक और एक न्यूजीलैंड टो ट्रक ड्राइवर मिस्टर बैक्स्टर, ये दोनों ने आके, जिनको कोई लेना देना नहीं था किसी से, आके मदद की, उसको बचाने की कोशिश की। नहीं बचा पाए, लेकिन बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको बचाया। दैट वॉज अ पॉजिटिव दैट केम आउट, कि स्ट्रेंजर्स केम टू हेल्प। दूसरा, इसकी वजह से ये जो दुर्घटना हुई है, पूरे
सेफ्टी और सिक्योरिटी जो बस ड्राइवर्स की है ब्रिस्बेन में, उसका उसकी इंक्वायरी हुई, और उस इंक्वायरी की वजह से मनमीत के जो कॉलीग्स हैं, जो बस ड्राइवर हैं, उनकी सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट आया है इस घटना की वजह से। तीसरा कि इस वारदात से जैसे हुआ जिसने किया, तो मेंटल हेल्थ सिस्टम जो है क्वींसलैंड का, उस पर बहुत फोकस आया है, उस पर फोकस आया कि कैसे ये लोग ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं और क्या खामियां हुई हैं। मुझे पता है भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और मैं आपको वेरी क्विकली बताऊंगा कि क्यों नहीं आई है, लेकिन इस वजह से जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं क्वींसलैंड में, उनका ट्रीटमेंट जो होता है, भगवान मैं प्रार्थना करता हूं कि उसमें सुधार आएगा। और चौथी और सबसे बड़ी चीज कि मनमीत के जाने से सिर्फ हमारी पंजाबी या इंडियन कम्युनिटी नहीं, बट जो ब्रॉडर ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है ना, उनको भी बहुत दुख हुआ और इट ब्रॉट देम टुगेदर। आपको शायद इतना एहसास ना हो, लेकिन सिर्फ ब्रिस्बेन में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के चप्पे चप्पे में ये हुआ, क्योंकि ऐसी जैसे हमें पता है, एक हार्ड वर्किंग आदमी जो सिर्फ अपना काम कर रहा था, उसको ऐसे मार दिया गया। ये सब के लिए ये दुर्घटना की बात थी, सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं। तो एक और अच्छी चीज़ हुई कि द होल ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी रैलीड बिहाइंड हिम एंड यू गाइस, जिससे कि हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की जो मल्टी कल्चरलिज्म है ना, वो और स्ट्रॉन्ग हुई। तो ये तो सिर्फ छोटे से चार मैंने पॉइंट्स देखे, और भी बहुत पॉइंट्स हैं लेकिन समय कम है। लेकिन मनमीत के जाने से इतना उसकी जो सैक्रिफाइस था, उससे इतना अच्छा असर कम्युनिटी पे आया है। तो ये बताना चाहूँगा कि यार, ये कहना चाहूँगा कि वो इतना अच्छा इंसान था कि सिर्फ जी के नहीं, मर के भी वो हमारी कम्युनिटी को बेहतर कर रहा है। एंड फाइनली मनमीत सिंह अली शेर, जस्ट लाइक हिज नेम, ही वॉज द लायन ऑफ द कम्युनिटी, ही वॉज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द पंजाबी कम्युनिटी इन ब्रिस्बेन। ही शुड बी एक्नॉलेज्ड, उसका सेक्रीफाइस एक्नॉलेज होना चाहिए। और मैं ये प्रार्थना करूँगा कि अंकल आंटी को, आपको, ब्रदर को, कि हिम्मत दें, उन्हें स्ट्रेंथ दें कि वो लड़ते रहें तब तक मनमीत को इंसाफ नहीं मिलता। मैं वेरी क्विकली बताऊंगा कि सिस्टम क्या है। मुझे पता है कि अभी क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं की है फुल रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे केस पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर सिस्टम, आपको अगर शायद पता हो कि जब स्पेशली मर्डर केसेस में, जो बड़े सीरियस केस होते हैं, जब कार्रवाई होती है, तो जज नहीं, ज्यूरी डिसाइड करता है कि वो गिल्टी है या नहीं। यानी कि जो 11 लोग जो चूज किए जाते हैं कम्युनिटी के, वो डिसाइड करते हैं, जज नहीं डिसाइड करता। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाए जिससे कि वो जो ज्यूरी है, वो एविडेंस को ना देखकर, यानी कि जो कार्रवाई में जो एविडेंस दिया है उसको ना देखकर वो अपने मन से सोचने लगे कि ये बंदा खूनी है, इसने खून किया है, वो अनफॉर्चुनेटली गलत हो जाता है। और फिर जो भी डिसीजन जूरी लेती है उसको बड़े आसानी से अपील किया जाता है, और जो जिसने ये काम किया है, जिस खूनी ने ये काम किया है, वो अपील कर सकता है, और हो सकता है वो फिर हायर कोर्ट्स में छूट जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, तो क्वींसलैंड गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, जहाँ मेरी तरह जो मेरी परख है, मैं पूरे केस को जानता नहीं हूँ इन एंड आउट, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन वो ये कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना पब्लिक हो जिससे कि केस पे बुरा असर पड़े। जो भी होगा वो केस के वक्त सुनाया जाएगा और उस पर डिसाइड किया जाएगा।
और वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो ताकि जो भी डिसीजन हो अगर भगवान करे कि मनमीत को इंसाफ मिले और मिलेगा, फिर उसको अपील किया नहीं जा सकता, फिर वो जो डिसीजन है वो ही रहेगा। तो आप मुझे पता है कि यू नो थोड़ा दुख होता है कि यू नीड टू नो द आंसर्स, बहुत सारे आपको प्रश्न होते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या किया, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्यों, क्या ट्रीटमेंट उसको मिल रही थी। वो देर से आएंगे लेकिन जरूर आएंगे। एक बार केस की सुनवाई होने दें, खत्म होने दें, तब सब कुछ पता चलेगा और उससे जब इंसाफ मिलेगा तो उसको फिर बदला नहीं जा सकता। तो होपफुली दोज क्वेश्चंस जो इफ यू वर थिंकिंग ऑफ कि आपके मन में थे कि यू नो क्यों नहीं आज गाड़ी बढ़ रही है, सो टू स्पीक, गवर्नमेंट क्यों छुप रही है, छुप नहीं रही है, वो चाहते हैं कि कार्रवाई बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो जस्ट अंत में सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, मैं आई कैन टॉक अंडर वाटर, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान करे कि मनमीत वाहेगुरु जी के पास हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। और यही कहूँगा, वाहे जुगति का खालसा, वाहे जुगति।